31 दिसंबر 2021 को रात में हुई मारपीट के चलते हॉस्पिटल में युवक ने तोड़ा दम। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। 25 साल युवक की हत्या के मामले में मानखुर पुलिस स्टेशन के भ्रष्ट अधिकारी को खिला फूटा जनता का गुस्सा। हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए राजनीतिक पार्टी व संस्था के पदाधिकारियों ने मानखुर पुलिस थाने के खिलाफ निकाला मोर्चा। 31 दिसंबर 2021 की रात की घटना को अभी तक भ्रष्ट अधिकारियों ने नहीं किया आरोपी को गिरफ्तार। नए साल में अभी तक हो चुकी है मानखुर पुलिस स्टेशन के हद में 3 से ज्यादा हत्याएं। भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से चलता है ये बड़ा खेल। पैसा वसूलने का सबसे बड़ा अड्डा बना है मानखुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी। बढ़ते अपराध को लगाम नहीं लगा सकते हैं मानखुर के भ्रष्ट अधिकारी। इसी को लेकर मानखुर पुलिस स्टेशन पर परेशान जनता ने निकाला मोर्चा। जनता ने लगाया मानखुर पुलिस स्टेशन के खिलाफ हाय हाय के नारे। भीम आर्मीच्या संघटनेचे कार्यकर्ते होते। आतमध्ये जी चर्चा झाली तीच आपली बाहेर पण झाली होती। कुटुंबाने सांगितलेलं आहे की जोपर्यंत त्या आरोपीला तुम्ही अटक करणार नाही तोपर्यंत आमचा कांतेश असाही हॉस्पिटलमध्ये होता असाही हॉस्पिटलमध्ये राहील। जोपर्यंत आरोपी पकडला जाणार नाही आणि आम्हाला न्याय तुम्ही मिळवून देणार नाही तोपर्यंत आम्ही बॉडीला हाती लावणार नाही। असाही 16 दिवस तो तिथे होता, अजून काही दिवस तिथे थांबेल। आम्ही तुमच्यासोबत संघर्ष करू, लोकशाही मार्गाने जे काही आम्हाला आंदोलन पण करायचं असेल तर आम्ही कुटुंबासोबत आहोत, आपण सर्व आहोत। कोणी कुठल्याही राजकारणाचं नाव राजकारणीकडे मध्ये आणू नका। आजपासून आम्ही आमच्या संघटनेचं नाव घेतलं नव्हतं, आत्ता जस्ट मी घेतलं। तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे की आम्ही एका संघटनेचे प्रतिनिधी आहोत, पण भीम आर्मीचंही नाव आम्ही याच्यामध्ये इन्वॉल्व करणार नाही, कोणी करू नका। तिथं फक्त आणि फक्त कांतेशला आपल्याला न्याय मिळून द्यायचा आहे, त्यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळून द्यायचा असेल आहे। त्याच्यामुळे कुठल्याही चुकीच्या अफवा बाहेर पसरवू नका। फक्त आपली जी भूमिका होती म्हणजे कुटुंबाची, ते तीच भूमिका आज सांगितलेली आहे। जोपर्यंत त्यांच्या मारेकऱ्यांना तुम्ही अटक करणार नाही, त्यांना शिक्षा देणार नाही तोपर्यंत आम्ही कांतेची बॉडी ताब्यात घेणार नाही। ह्याच भूमिकेसोबत आम्ही सर्व आहोत आणि आपण पण आहात का? हो। त्याच्यामुळे आपल्या कांतेशला न्याय मिळवून देण्यासाठी आजपासून कुटुंबासोबत आपल्याला त्यांच्या संघर्षामध्ये काम करावं लागेल। कुणी चुकीच्या अफवा बाहेर पसरवा, ह्याच्यानंतर काय करायचं असेल तर ते कुटुंबाशी डिस्कस करू किंवा आपल्या सर्वांना काय करायचं असेल तर आपण चर्चा करू। पोलिसचं हेच म्हणणं होतं की आम्हाला वेळ द्या, पण पोलिसाला आपण वेळ प्रत्येक वेळी दिलेलाच आहे, 16 दिवस दिलेले आणि 31 तारखेला घटना होते आणि 2 तारखेला FIR होतो, 24 तासामध्ये झाला पाहिजे होता। पण ज्या पार्किंगमध्ये चुकीचा प्रकार घडतो तिथं गांजा विकला जातो आणि वारंवार तिथे एक बलात्कार पण झाला होता, एका वासनीची हत्या पण झाली होती आणि आज आपल्या मुलासोबत पण तेच झालेलं आहे, तरी त्या पार्किंगबद्दल भूमिका पोलीस घ्यायला तयार नाही, त्याची दखलही ते घेण्यास तयार नाही आहेत। ते फक्त म्हणतात की हा ठीक आहे, ह्याच्यानंतर धमकी दिली तर आम्हाला सांगा, तर मी ह्याचा निषेध करतो। आत्ताच्या आता तुम्ही पोलिसांना त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला पाहिजे, उद्या यांना अगर त्यांनी मारून टाकलं तर इजा पोहोचवली त्याची जबाबदारी पूर्ण तुमची असेल। तुम्हाला आणि सर्वांसमोर आम्ही परत एकदा तुम्हाला सांगतोय, आतमध्ये जी काही चर्चा झाली मी तुम्हाला सांगणार नाही, परंतु पोलिसांना त्यांचं काम करू द्या, आपण आपलं काम करूया। आपण पोलिसांवर दबाव टाकत नाही, आपली फक्त मागणी आहे की आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांना अटक झाली पाहिजे। आणि 1.5 वर्षाचा मुलगा आहे, त्याचा 1.5 वर्षाचा मुलगा आहे, त्यांची बायको आहे, त्यांचं जगणं पुढे कसं होणार? आपण आमच्याही सरकारकडे काही मागणी असायची संघटनेच्या पत्रावर आम्ही करू, त्याला
कमीत कमी 25 लाखाचे आर्थिक सहकार्य केलं पाहिजे आणि कुटुंबाने पण याच्यासाठी पत्र व्यवहार सरकारशी केलं पाहिजे, ही पण आपली मागणी आहे जी आम्ही आजमध्ये बोललो नाही, जिथे आम्ही बोलतोय आणि ही तुम्ही ऐकताय। तर इथून आपण सरळ आपण यांच्या घरी जाऊया, कोणी जाताना घोषणा वगैरे देऊ नका, कोणी चुकीच्या अफवा पसरवण्याचा प्रयत्न करू नका, कोणाचं ऐकू नका। जे काही असेल तर सुरेश झाडे इथे आहेत, काही मित्रपरिवार आहेत, कुटुंब आहे, आम्ही पण आहोत, आपल्या आपसामध्ये चर्चा करू आणि चर्चा न केल्याशिवाय कुटुंबाची चर्चा न केल्याशिवाय कोणी कुठं काही बोलू नका। इथं मीडियावाले आहेत, त्यांचं कुटुंब त्यांना बाहेर देईल आणि ह्याच्या इथून आपण पुढे निघूया। ठीक, समजा सर्वांनी आने के टाइम पे रिक्शे से उतरा, उतर के आने वाला लड़का को एक लड़का ने बुलाया, क्या रे करके बोला, रे कैसे तू बोला, तो इतना तू बिगड़े होके बहुत बड़ा ये हो गया क्या करके उसको मारा, इतना मारा कि वो बेहोश हो गया और कोमा ही गया जगह पे, उधर ही मरने के जैसे ही है उसको। उधर से तो उसका भाई को फोन आया, तुम्हारा भाई को मार के डाला पार्किंग में, रिक्शा पार्किंग में। ये रिक्शा पार्किंग है ना इधर मानकुर में PNGP कॉलोनी, जो BST का क्वार्टर्स का सामने गेट का सामने ही बाथरूम का उधर ही, तो अवैध है ऐसे तो गवर्नमेंट का तो नहीं है, उसने मारा इसको। मारने के बाद उसका भाई को फोन आया, जाके उठा रहा उसको, उठ रहा ना, कोई भी है ना मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मगर ये कोई अगर रास्ते पे कोई गिरेगा तो कोई भी मदद करता है, उस पार्किंग का इतना बड़ा यह दादागिरी है कि उधर कोई मरेगा तो भी कोई पूछता नहीं है, कोई हेल्प नहीं किया, कोई एक इंसान उसको हेल्प करके रिक्शा में डाला, उधर से ये सतावजी लेके आया, सतावजी से उनका बोला ये बहुत क्रिटिकल केस है करके साइन भेजा, साइन में डायरेक्ट 20 पे ही, सत्तर जी से 20 पे ही हो। और 16 दिन के बाद तो कल उसका मृत्यु घोषण किया, कल रात को 1:30 बजे, तो पुलिस लोग 31 से लेके आज तक हमको यही आश्वासन दे रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं, तुम खाली तुम है ना तो पेशेंट को पर फोकस करो को, अगर हम लोग उनको ज़्यादा तुम है ना तंग मत करो, हम ढूंढ रहे हैं, हमारा काम हम ढूंढ रहे, तुम बोलेगा तो ही हम ढूंढेगा, नहीं ऐसा नहीं है, तुम बोलेगा तो ही ढूंढेगा, नहीं बोलेगा तो भी ढूंढेगा, लेकिन हम लोग नहीं मिल रहा हम क्या कर सकते हैं, ऐसे यही आश्वासन दे रहे। आज हम लोग किधर आए, आने के बाद बोलते तुम्हारा जो मृत्यु का जो बॉडी है ना तुम लेके जाके उसका क्रियाक्रम करो, लेकिन हम लोग नहीं करेगा सब, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसका 1.5 साल का बच्चा है, उसका बीवी है, उसका क्या होगा, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। कांतेश अर्जुन चुब्बन को तो बेकसूर है, एक गरीब है वो, उसका पिताजी है देखो, मैं उसका बुआ हूँ, और वो जो आरोपी जो भी है उसको फांसी मिलना चाहिए और वो पार्किंग बंद होना चाहिए, क्योंकि पार्किंग में बहुत कुछ होता है, रेप होता है और ये मारामारी होता है, हर चीज़ होता है उधर, कोई आज तक है ना इस पर पुलिस स्टेशन पुलिस लोग आके उधर कोई दम दाटी दिया नहीं, वो बंद हुआ नहीं है, अगर पहले उन लोग बंद करता तो आज हमारा बच्चा नहीं मरता था उधर। ये बोलना है हमारा बच्चे को न्याय मिले, और उसका पिताजी है ये, और ये बिगड़ का काम करके खाने वाला है, सुबह 9 बजे 31 को काम पे रोटी बांध के लेके गया डब्बा, तो रात को लड़का आता था 10, 9:30 बजे तक माँ रास्ता देखी, तो डायरेक्ट ना हॉस्पिटल में बच्चों को देखी, हमको न्याय दो साहब। 9:30 बजे काम से आ रहा था, उधर को पार्किंग में कुछ लोगों ने उसको बोला कांता इधर आ बोल के, इसने चले गया, कहा क्या अरे बोल के चले गया, चले जाने के बाद में सीधा मारना ही चालू किया, इतना मारा कि वो कोमा में चले गया, और उसको उठाने के लिए कोई भी मदद नहीं कर, 10:30 बजे के करीब मारा है उसको, और वो मार के एकदम ऐसे ही फेंक दिया, ऐसा जैसा कि उन लोग को लगा कि ये मर गया, ऐसे ही छोड़ के चले गया। फिर मेरा बड़ा लड़का को किशोर को फोन आया तुम्हारा भाई को मारा बोल के, फिर मेरा लड़का जाके एक दूसरा कोई जिससे मदद लेके उसको शताब्दी हॉस्पिटल लेके गया, शताब्दी हॉस्पिटल में बोला कि ये ज़्यादा के सीरियस है, इसको सैन हॉस्पिटल लेके जाओ, फिर सैन हॉस्पिटल में लेके गया कि इमरजेंसी वार्ड पे गैस के ऊपर रख दिया उसको, फिर कल रात को 1:30 बजे उसका मृत्यु हो गया। अपने को न्याय चाहिए साहब, अपने को चिकना और वेंके इंगले इन लोग को रवि सर उसका साथीदार उन लोग को फांसी होना चाहिए सब किसी भी हालत में। अब उसी को मैं काम पे आने वाला था तो काम का छुट्टी मार दिया मैंने कि 31 था, फ्रेंड लोग ने बुलाया तो गया मैं चुकाड़े में बैठा था, तो उतने में बैठने के बाद मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया बोले कि तेरे भाई को बहुत मार रहे बम्बू से, पूरा इतना मार रहे कि वो जान भी जा सकता है उसका, तो फटक करके आ जा। तो मैं फटक कर 2 मिनट में पहुंचा तो वहाँ पर बहुत से आदमी थे, पार्किंग वाले थे, पार्किंग के लड़के लोग थे, तो मेरे भाई को ढूंढा मैं, मेरे फ्रेंड लोगों को लेके या जैसा ढूंढा भाई मेरा मिला नहीं, लेकिन रिक्शा के टायर के नीचे मिला, मतलब एकदम कोने में, तो सब लोग वहाँ पर देख रहे थे, लेकिन मेरे भाई को देखा मैंने जैसा उठाया, तो उठाने के फटक करके मैंने रिक्शे में डाल के सतबजी हॉस्पिटल लेके गया। सतबजी हॉस्पिटल वाले बोले कि कंडीशन बहुत बैड है तो आप साइन हॉस्पिटल लेके जाओ,
हुसैन हॉस्पिटल में जिस दिन से लेके गया उस दिन से मेरा भाई सीरियस ही है, गैस पे था। और पुलिस को बोला, पुलिस बोलते कि आज देखेंगे कल देखेंगे, हम इधर देख रहे उधर देख रहे, आज अभी तक तो उनको पकड़ा नहीं है। और दूसरी बात, वो पार्किंग में इतने लेटर गए, पहले भी रेप हुआ, बहुत क्रिमिनल हुए वहाँ पर, मर्डर हुआ, लेकिन वहाँ पर इतने लेटर गए लोग ने, आज अभी तक लोग ने उनका कुछ ये नहीं किया। अभी आपसे पुलिस की कुछ बात हुई है तो उसमें क्या आश्वासन मिला है? तो अभी भी वही बोल रहे हैं कि देखेंगे, अभी बोल रहे कि आपके भाई को क्रियाकर्म करो आप, लेकिन हम नहीं करेंगे सर क्रियाक्रम। जब तक हमारे भाई को अगर न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम क्रियाक्रम नहीं करेंगे। और दूसरी बात, पार्किंग भी बंद होना चाहिए, आज मेरे भाई के साथ हुआ, कल और किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से पार्किंग है, उसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वही पार्किंग में इतने क्रिमिनल क्यों होते? पुलिस वहाँ पर कुछ करते ही नहीं है, जाते ही नहीं है, क्यों ऐसा है? कि उनको कुछ मिलता है? मिलते तो नहीं कर रहे ना। देखिए, मेरा नाम अशोक कामले, पर भीम आर्मी संगठन का मैं पदाधिकारी हूँ। पर जो घटना हुई है उसका हम निषेध करते हैं, और सिर्फ कांतेश आज नहीं, इससे पहले बहुत सारे भारत में ऐसी घटना हुई है, आपने हाथरस का भी देखा होगा, 2 साल पहले चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन में भी ऐसी घटना हुई थी जहाँ पर 4 दिन हमें बैठना पड़ा, उस लड़की पर बलात्कार हुआ था, उसको मार डाला था, वहाँ पर भी बॉडी हम लोग नहीं ले रहे थे, यानी उनकी फैमिली नहीं ले रही थी, हम उनके साथ थे, लेकिन पुलिस ने बॉडी जबरन निकाल कर सीधा औरंगाबाद लेकर उनके फैमिली मेंबर को पुलिस के डब्बे में डालकर मार कर भी मारा, उनको पीटा और औरंगाबाद में स्मशान भूमि में लेकर उस लड़की को जला दिया। अंत संस्कार कह नहीं सकते हम, क्यों जला दिया जबरन। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जहाँ पर देखने मिलती है कि घटना होती है, फिर फैमिली को बोला जाता है बॉडी ले लो, वो अंत संस्कार होता है, वो फिर उसके बाद पुलिस अपना हाथ ऊपर करती है और हमें आंदोलन करना पड़ता है। और एक घटना धारा में ऐसी हुई थी 2 साल पहले, 17 साल का लड़का था जयसवर समाज का, उसको सिर्फ उसने मोबाइल चोरी किया ये आरोप लगाकर उसको लेकर गई पुलिस थाने में पीटा, वो पुलिस थाने में मर गया। घर वालों ने पुलिस के ऊपर FIR करने की मांग की, अभी आज तक का मांग हुई नहीं, अब पूरी नहीं हुई, लेकिन 1 साल उसकी बॉडी साइन हॉस्पिटल के अंदर रखी थी। इतना बुरा वक्त किसने लाया? तो या कि सरकार है, या कि जो पुलिस प्रशासन है जिनका वो पॉलिटिकल लोगों का सुनकर काम करती है। तो हमको भी यही पता चला है, कांतेश बहुत अच्छा लड़का था, लोगों की सहायता करता था, लोगों के बीच में बहुत सी उसका परिचय था, उसके दोस्त भी बोलते कि बहुत अच्छा लड़का था, कभी उसने गलत काम किया नहीं था, अगर किसी का झगड़ा भी हो जाता तो पुलिस चौकी में आकर वापस सुलह करने का काम करता था, उनको न्याय देने का काम करता था। अगर ऐसे लड़के को कल एक पार्किंग की जगह पर जहाँ चरस मिलता है, गांजा बेचा जाता है, जहाँ पर पहले बलात्कार भी हुआ था, एक सिक्योरिटी को मार भी डाला था, उसके बाद ये तीसरी घटना है, फिर भी वो पार्किंग बंद करो ये मांग होने के बाद भी पार्किंग बंद नहीं होती, तो शंका निर्माण होती है, डाउट आता है। पुलिस इतनी घटना होने के बाद पुलिस वो पार्किंग को बंद करने के लिए BMC को भी नहीं बोलती है और खुद भी कदम नहीं उठाती है। अभी जब अंदर बोल रहे थे कि पार्किंग बंद करो, वहाँ पर ज़्यादा घटना होती है, मेरे भाई के साथ अगर ऐसा हुआ है और किसी के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन पुलिस डाइवर्ट करने का काम कर रही थी कि पार्किंग के बारे में मत कहो, इसको पुलिस डाइवर्ट कर रही है, पार्किंग के मुद्दे को डाइवर्ट करने का काम कर रही थी कि बंद करने का ये मुद्दा छोड़ दो, हमें आरोपी के पकड़ना है, उस मुद्दे पे बात करेंगे। तो हमें बहुत सारी चीजें उनके बाद फिर पार्किंग तो आपको पुलिस का और पार्किंग का देखिए, मुझे क्या आपको भी बताया, आप पत्रकार मेरे मुझसे क्यों निकलना चाहते हो, आपको सब पता है पार्किंग मतलब पार्किंग से क्या क्या होता है, कौन कमाता है, किसको देता है, कौन बांटता है, ये BMC से लेकर सारे नीचे तक क्या के पॉलिटिकल लोग सब मिले जुले हैं, सबको पैसा मिलता है, पुलिस को मिलता है कि नहीं इसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सब लोगों को मिलता है। लेकिन आज जो पुलिस ने कहा कि ये मुद्दा छोड़ दो, वो पार्किंग वाली जो लेडीज है उसकी जो ओनर है वो इनको धमका दिया, अगर मेरे पार्किंग का अगर नाम लोगे तो मैं आपको देखूंगी, ये भी उन्होंने बताया, फिर भी उसके ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए पुलिस कहती कि वो मुद्दा छोड़ दो, अगर आप भी धमकी देगी तो फिर बताओ, अरे मैं मार ही डालेंगे तो फिर हम आपके पास आएंगे, वो जिंदा है, अभी धमकी दे रही है, अभी आपको स्टेटमेंट लेना चाहिए, आपको अभी उसको ऊपर गुनाह दाखिल करना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, BMC भी बोलना चाहिए कि अभी के अभी तत्काल पार्किंग बंद करो। और चरस गांजा अगर मिलता है कैसा, अगर 6 जोन के अंदर उपाध्याय DCP है, उनके माध्यम से अगर यहाँ पर देख रेख ठीक नहीं हो रही है, उनका यहाँ पर दहशत नहीं है, पुलिस का दहशत नहीं है, इसके लिए तो सारी वो चीज़ें हो रही है। अगर गुनहगार के साथ अगर आप मिलकर बैठोगे, उनके साथ अगर कुछ पार्किंग बंद करने का काम नहीं करोगे, तो एक कांतेश नहीं और कितने कांतेश जाने वाले हैं। तो इस सारी घटना का हम निंदा करते, निषेध करते, और फैमिली ने यही कहा है जब तक हमारे कांतेश जी को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे लड़के को न्याय मिलेगा नहीं, तब तक हम बॉडी नहीं लेंगे। और ये उनका कहना, इसके लिए उनकी जो भूमिका है उस भूमिका के साथ हम जितने भी लोग यहाँ पर है सब उनके साथ है, और
फैमिली मेंबर जो जो हमें कहेंगे वो कहेंगे हमें आंदोलन करना है, हमें धरने पे बैठना है, मंत्रालय के बाहर जाना है, हम वहाँ पर भी जाएंगे, पुलिस एक ही करेगी, हमें दबाव डालेंगी, हमारे कार्यकर्ता को अरेस्ट करने का काम करेंगी, डिटेन करने का काम करेंगी, अगर वो केसेस भी डालते हैं, मुझे 21 बार अटक किया हुआ है इस मारठ के अंदर, आज मेरे को जेल में भी डाला हुआ है, हम डरने वाले लोग नहीं है, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय FIR भी करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, 31 तारीख को घटना होती है और 2 तारीख को FIR होती है, इन्होंने उन्होंने भी कायदा तोड़ा है, तो हम पुलिस को यही कहना चाहते हैं कि आप अपना काम करो, हम हमारा काम करेंगे, इसके बाद अगर हम यहाँ से जाते हैं और पुलिस वाला अगर इस फैमिली मेंबर के घर पर जाके धमकाता है बॉडी ले लो तो हम उनके ऊपर भी FIR करने का काम करेंगे, उनके बारे में भी आंदोलन करने का काम करेंगे, पुलिस को भी छेड़ेंगे नहीं, आप हमें मत छेड़ो, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, अगर आप दबाव डालने की कोशिश करोगे फैमिली मेंबर पर तो हमें आपके बारे में भी सोचना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे और आंदोलन कोरोना से कोई रोक नहीं सका, कोरोना वरना कुछ नहीं, ऐसा भी जिंदा आदमी को मारा जा रहा था, कोरोना से मरेंगे, बराबर आएंगे हजारों की संख्या से यहाँ पे, पूरा महाराष्ट्र यहाँ से आएगा, अगर हमसे नहीं आंदोलन सक्सेस हो रहा है तो हमारे चंद्रशेखर भाई को हम यहाँ पर बुलाएंगे, अगर वो आ जाएंगे तो पूरा भारत देश यहाँ पर आ जाएगा, इसके लिए पुलिस को मेरा यही कहना है जल्द से जल्द आप गिरफ्तार करो, हमारी मदद चाहिए, हमारा पूरा नेटवर्क पूरा भारत देश के अंदर हमारा भीम आर्मी का संगठन है, आपको जहाँ नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, आपको हेल्प चाहिए, हमारा कार्यकर्ता आपके साथ आएगा, पैसा खर्चा करना है तो हमारा कार्यकर्ता खर्चा करेगा, आप बोलो सिर्फ कहाँ जाना है, आपके साथ हम घूमेंगे, लेकिन आपने आज जब 16 दिन के अंदर कुछ नहीं कर सके, 16 दिन के बाद क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मार्क हमारे सामने, और जो जो चर्चा हुई उसमें से यही पता चला है कि पुलिस अंदर से नहीं बोल रही थी, पुलिस अंदर से नहीं बोल रही थी, जो DCP साहब बैठे थे उपाध्याय वो अंदर से नहीं बोल रहे थे, और उनमें ही कॉन्फिडेंस नहीं था, और उनमें ही कॉन्फिडेंस नहीं तो फिर हमारे में कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा क्या विश्वास रखने के लिए, इसके लिए पुलिस पर विश्वास नहीं रखा जाता, रखा जा सकता, जब तक फैमिली नहीं बोलेगी हमें बॉडी लेना है तब तक नहीं लेंगे, फैमिली बोलेगी आज हमें बॉडी लेना तो हम लेंगे, अगर वो बोलेंगे बॉडी लेके रास्ते पे बैठना है मंत्रालय के बाहर बैठना है तो हम उनके साथ चले जाएंगे। मैं योगिनी पगारे, मैं मुंबई से हूँ, आज़ाद समाज पार्टी संस्थापक अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद रावण इनकी पार्टी की मुंबई प्रवक्ता करके मैं मुंबई में काम करती हूँ। आज का जो इशू हुआ है चुंबन भाई का जो हुआ है यहाँ पे जो इशू, मैं बोलूँगी कि इनको 31 दिसंबर को ये इंसिडेंट इनके साथ हुआ था, लेकिन अभी तक 16 दिन होने के बाद भी उनके ऊपर 307 भी नहीं लगाया गया था। ये बहुत खेद की बात है कि अभी तक पुलिस से 307 भी नहीं लगाया गया था, क्योंकि इनकी जो परिस्थिति थी इनको इतने इंजरीज थी कि आपने देखा होगा उनके सब वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, तो इतने सब एविडेंस होते हुए भी अगर पुलिस ने इंक्वायरी नहीं की है तो क्यों नहीं की है, ये शंका हम पुलिस के ऊपर उपस्थित करते हैं। और अभी जो उनका डेथ हुई है तो अभी पुलिस से जब मीटिंग में मैं थी पुलिस के साथ, तो उनका कहना है कि अभी आप जो बॉडी है उसको डिस्पोज कर लो, उसके बाद हमारी एक टीम लगी है जो एक्यूज को पकड़ेंगी, लेकिन हमारा एक कहना है कि 16 दिन अगर आप एक्यूज को नहीं पकड़े हो तो आज एक दिन में आप पकड़ेंगे, इसकी क्या श्योरिटी आप देते हो। तो ये सवाल जब हमने उनसे किया तो उन्होंने कुछ भी हमें ठोस जवाब नहीं दिया है, तो उनका वही कहना है कि हम करेंगे पकड़ेंगे, भाई ये तो हम बहुत सुन सके, तो ये जैसे बस्ती है। और दूसरा एक मैं तो और तरीके से ये कहूँगी कि ये जो बस्ती है ये दलित मुस्लिम समाज की बस्ती है, तो ये दलित मुस्लिम समाज में हम देखे जाएंगे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चरस गंजा का व्यवहार होता है, व्यापार होता है, और ये जो व्यापार होता है तो इसके ऊपर प्रबंध करने का काम जो होता है वो पुलिस का होता है, जो कि यहाँ के सब MLA रहेंगे, MP रहेंगे, पुलिस रहेंगे, कॉरपोरेटर रहेंगे, ये सब मिलके उनसे ये जुड़े हुए हैं ये काम से। यहाँ पे वो गांजा कहाँ से सप्लाई होता है, गुजरात से आया हुआ गांजा कौन से नाके पर खड़ा उतराया जाता है, वहाँ से कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सब पुलिस को पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ के बहुजन मूवमेंट के एक्टिविस्ट करके जो भी बस्ती में जाते हैं, हम बस्ती बस्ती में काम करते हैं, तो यहाँ पे जानबूझ के ये इनका धोरण होता है कि यहाँ के जो दलित मुस्लिम जो लोग हैं ये कैसे इनको आरोपी बनाया जाए, कैसे इनको अमली पदार्थों के व्यसन में इनको लगाया जाए। यहाँ पे ज़्यादा जोर यहाँ का होता है, यहाँ के प्रशासन का होता है, व्यवस्था का होता है। तो ये भी है कि जो भी अभी इंसिडेंट हुआ है वो हालांकि वो नशे में हुआ है, तो नशा बंद करने के लिए इनके पास क्या प्रोग्राम है ये हमें पुलिस से जानकारी चाहिए। हालांकि DCP के जो प्रोग्राम्स होते हैं हर पुलिस स्टेशन के, हर जोन के, तो उसमें व्यसन मुक्ति का भी एक प्रोग्राम होता है, तो व्यसन मुक्ति के ऊपर ये दलित बस्तियों में, ये झोपड़पट्टियों में ये कौन सा प्रोग्राम अभी तक इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, कुछ भी नहीं किया है। हम लोगों में काम करते हैं, लोगों से बात करते जुड़ते, लेकिन नशा बंदी के लिए इनके पास कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी उपक्रम नहीं है। ऑब्वियसली पुलिस की कोताही नज़र आती है, पुलिस इसमें जरा भी गंभीरता से नहीं ले रही है। अगर यहाँ पे एक केस नहीं हुआ है वो एरिया में, वहाँ पे पहले भी एक बलात्कार हुआ है एक लड़की के साथ, उसके बाद 2-3 केस हुआ है,
ऐसी जगह पे जो इतना ऐसा जो भयानक जगह है वहाँ पर इनका पुलिस प्रोटेक्शन क्या करता है, वहाँ पे ये लोग क्या जिम्मेदारी लेते हैं, ये भी तो सवाल है ना। तो अभी जैसे बोल रहे कि हम पुलिस एक्यूज को पकड़ेंगे लाएंगे, तो इनके बातें पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि हम बहुत देख चुके हैं ऐसे। गए 16 साल से हम मूवमेंट में काम करके हमें पता है कि पुलिस का ऐसा करेंगे, इसके ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। आज 16 दिन अगर वो बेचारा बच्चा इधर उधर रह सकता है तब कुछ कार्रवाई नहीं करते, तो अभी और 2 दिन महीना भर रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उनके घर वालों की भूमिका है, हम उनके घर वालों के साथ हैं। मैं मेरी राय यही देना चाहूँगा कि आज जो मानकोर विधानसभा में, जो शिवाजी नगर में, मानकोर लल्लू भाई कंपाउंड में जो नशे को लेके ये जो मर्डर रेप्स ये हो रहे हैं, तो हमारी जो पुलिस प्रशासन है मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप इस पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि जो ये जो नशा बिक्री हो रहा है उनके जो बच्चे हैं, जैसे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, और वही नशे के पैसे से उनको एजुकेशन दिया जा रहा है। अगर स्कूल में या कॉलेज में अगर किसी को, एक स्टूडेंट को पता चला कि भाई ये इसका बाप या उसकी माँ नशा बेच के एजुकेशन दे रहे हैं, तो शायद उसके बच्चे को हट पूछेगा जो नशा कर रहा है और जो बेच रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो नशा बेच रहे हो, आप सबसे पहले अपने बच्चे का फ्यूचर देखें। अगर उनको पता चलेगा उनके फ्रेंड सर्कल में, स्कूल में, कि ऐसे ऐसा कर रहा है, तुम्हारा बाप तो ये कर रहा है, तो उनको भी यही, उनके दिल में ये होगा यार मेरे पापा ऐसे कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा ज़्यादा होगा कि झगड़े होंगे, उससे क्राइम बढ़ेगा। तो ये चीज़ों को रोकना चाहिए, और सबसे पहले अपने जो बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा सोचना चाहिए। शिवाजी नगर मानकोर विधानसभा पूरा ये नशे से पूरा झूल रहा है। और अभी जो ये घटना हुई है, इस लड़के के इंसाफ के लिए इनके माता पिता सब पुलिस स्टेशन में आए थे, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है, ये किस तरह की घटना रही ना? मेरे तो एक यही राय, कहना यही है हमारे जो पुलिस प्रशासन है कि वो जो लड़के हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, जल्द से जल्द उन पर अच्छी तरीके से कड़क कार्रवाई की जाए। आप यहाँ पर सोशल वर्किंग करते हैं, तो किस हिसाब का रहता है, किस नज़रिए से आप इस पूरे मोहल्ले, अपने एरिया को आप देखते हैं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा नशे को लेके देख रहा हूँ, और कुछ आज से 3-4 साल पहले एक युवा राम सिंह करके उनका भी मर्डर हुआ था, और कुछ रेपेस हुए और फिर मर्डर पे मर्डर हो रहे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जो जनता है शिवाजी नगर मानकोर विधानसभा की, आप लोग सब उठें और इस चीज़ को सबसे पहले रोका जाए। ये जो युवा है यहाँ पर के, जो आपके एरिया में जो घटना होती है, और यहाँ पर के जो युवा है जो अच्छे काम धंधे में लगे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा, जो आप जो अच्छा काम कर रहे हो, और जो अदर जो युवा जो लड़के लोग हैं जो नशा कर रहा है, उनको आप समझाइए, कुछ अच्छा उसको एजुकेशन के लिए मदद कीजिए। काफ़ी संस्था है, काफ़ी ऐसे NGO है, फाउंडेशन है जो मदद करेगी, और जो नशा कर रहा है अगर उसको नशा छुड़वाना है तो उसके लिए फाउंडेशन है बहुत अच्छे।